हिंदू परिवार से ये सरकार के दरबार में चादर आती है। प्यारी चादर को हर साल की तरह इस साल भी देखो हैदराबाद वालों की चादर आई है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत प्यारी हर साल की। हैदराबाद वालों की चादर आई है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत प्यारी हर साल की तरह इस साल भी गरीब नवाज की बारगाह पे चादर को पेश करने के लिए लेकर के आए सुभान अल्लाह हैदराबादी। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए यहाँ पर भी एक चादर है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्यारी चादर को हर साल की तरह इस साल भी बस आपकी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी कहाँ से लाई है चादर आप जी ये चादर कहाँ से आई है? हैदराबाद दक्कन से आई है। तो कितने समय से चादर लेकर के आ रहे हैं आप लोग? 1949 से जी। मेरे वालिद हाजरा उस्ताद की तरफ से आती है माशाल्लाह। तो इस बार किस तरीके से दरबार गरीब नवाज में चादर पेश करने के लिए आए हैं मौजूद? बहुत ही शानदार तरीके से पेश करने के लिए आए हैं जी। साल हमारे इरादे मजबूत और होते रहते हैं जी। तो हर देख सकते हैं इसमें हमारी कितनी कारीगरी है बेशक। इस पे बेशक पूरा लिखा हुआ रहता बाजाबता। अच्छा इसमें क्या मैसेज क्या है मैसेज क्या दिया गया इस चादर से? मैसेज क्या रहेगा बोल तो हर साल हम इसमें हमारे ख्वाहिश रहते जी इजाफा एक्स्ट्रा करना काम अच्छा करना है ये हमारी ख्वाहिश रहती है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लाना अच्छा दरबार में अच्छे से अच्छा लाने की हमारी मेरे वाली तो बोलते थे कि अच्छे से अच्छा करना बोलते जी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम समर्थन सिद्धि है। कितने आदमी का टीम है आपका? 50 आदमी का टीम है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए गरीब नवाज की बारगाह पे कितनी खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आए हैदराबाद दक्कन से। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अजमेर शरीफ उसके मौके पे। तो देखिए यहाँ अजमेर शरीफ में एक चादर आ चुकी है और बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ी चादर है माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी आई है। तो देखते हैं ये किन की तरफ से चादर आई है सुभान अल्लाह।
चलो जी, ओ चलो जी पहनेंगे, चलो जी पहनेंगे, चलो जी देखेंगे चिश्ती बाहर मेरे बाजा से मिलने की। जैसे कि आपको पता है अजमेर शरीफ दरगाह पे हर साल की तरह इस साल भी चादर आ चुकी है। ये चादर आप लोग कहाँ से लेकर के आए हैं? ये चादर हम लोग नागपुर के रहवासी, हम लोग नागपुर में रहते हैं जी। और नागपुर में एक वाड़ी शहर है, नागपुर शहर में एक वाड़ी छोटा शहर है जी। हम वहाँ के सब रहने वाले हैं और सरकार ताजुद्दीन बाबा, ताजुद्दीन औलिया, इनसे हम बाबा है, इनके कर्मों के रहमत तरफ से हम लोग जीते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और हमारे सरकार ने हमें नागपुर शहर में हिंदू मुस्लिम एकता का हमें नारा सिखाया है, हमें वो हमें सिखाया है कि नागपुर शहर में हमेशा अमन और शांति बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, पहली बात कि ये वाड़ी शहर में एक हिंदू परिवार से ये चादर निकलती है, सरकार गरीब नमाज में आती है। ये कब से लेकर के आ रहे हैं आप? ये हमें अभी 7-8 साल हो गए, मतलब कंटिन्यू लेके आ रहे हैं हम लोग। चांद की कौन सी तारीख को लेकर के आते हैं? चांद की 7 तारीख को लेकर आते हैं। तो यहाँ ये चादर जो आप लाते हैं, इसका मैसेज क्या देते हैं आप? मैसेज हम लोग ये देते हैं कि हम चाहते हैं जी, हमारे जो यहाँ के जो चादर निकाल दे सोम भाई वर्मा, चारू भाई नरवरिया जी, सरकार ने चादर और हम सारे ग्रुप की वजह से और उनकी सारे ग्रुप की जानिब से सरकार में चादर आती है। और आपने जैसे मुझे पूछा कि इसका मतलब क्या है, इसका मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा मैसेज है हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि हम हिंदू परिवार से ये सरकार के दरबार में चादर आती है जी। तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और सरकार गरीब नवाज का कर्म हम सब पे पूरे हिंदुस्तान पे बना रहे, पूरे विश्व, पूरे भारत में बना। मतलब ये है कि बाबा ताज की बारगाह पे आप चादर तो लेके जाते हैं, हाँ। उसके साथ साथ गरीब नवाज की बारगाह पे भी लेके आते हैं। और इंशाल्लाह मतलब बुजुर्गाने दीन जो और भी वली अल्लाह की बारगाह वहाँ पर भी जाएंगे आप? जाते ही हम लोग जाते हैं और मतलब इसी तरीके से धूमधाम से चादर लेके जाते हैं। कितने आदमियों का ट्रिप होगा आपका? हमारे ग्रुप में 550-600 लोग है जी, और सरकार के कर्म से बढ़ते ही जा रहे हैं, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो आने वाले टाइम में क्या कुछ नया करने वाले हैं आप? नया हर साल की तरह हम जो चादर लाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया हम कर ही रहे जी। और आप जैसे देख सकते कि यहाँ पर पिछले साल से हमने कुछ बहुत कुछ अभी नया किया है, तो हम कोशिश करेंगे और कुछ नया सरकार के इस संदर्भ में हम कुछ कुछ और नया आगे कर पाए, पेश करें। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ललित टेढ़े। आपका? सोम भाव वर्मा, चारू भाव नरवरिया, इनकी जानिब से वाड़ी शहर नागपुर, वाड़ी में वाड़ी नागपुर से ये चादर निकाली जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चादर बहुत खूबसूरत लेकर क्या, इसमें क्या है ये जो आप जी? इसमें फूल की चादर है जी, और वो बड़ी चादर है, वो बड़ी चादर अली हसन हुसैन पंचतन के नाम उसमें लिखे हुए हैं। और मैसेज भी आप समझ सकते हैं, मतलब ये कि कुल मिला के हिंदू मुसलमान एकता का मैसेज देना चाहते हैं आप? एकता का ही मैसेज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए गरीब नवाज की बारगाह पे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर जाति धर्म के लोग आते हैं और बड़े धूमधाम से चादर को पेश करते हैं। हक मोई या मोई, हक मोई या मोई, हक मोई या मोई। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना।